हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 6। और यह एक्सरसाइज ली गई है क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट ग्रामर से। बाकी की एक्सरसाइजेज मैं करवा चुका हूँ, तो उन वे वीडियोस आपको इसी चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है वी हैव बीटन द थीफ। तो इसमें जितने भी सेंटेंसेज हैं वे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब हम लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है द थीफ, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द थीफ। अब देखिए हैज बीन, अब वी के साथ हैव लगा था लेकिन थीफ एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगी है थीफ के अनुसार हैज, और बीन पैसिव वॉइस में क्या लगा देते हैं बीन। बीटन थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो बीटन सेम टू सेम आएगा। उसके बाद देखिए वी का कर्म कारक होता है अस, और इसे बाई से जोड़कर भी लिखेंगे तो हो जाएगा बाई अस, द थीप हैज़ बीन बीटन बाई अस। दूसरा देखते हैं आई हैव नॉट रिटन द ऐसे। तो देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट है द ऐसे, और उसके बाद देखिए हैज़ नॉट बीन, नॉट लगा है तो नॉट हैज़ बीन के बीच में आएगा। रिटन पहले से ही थर्ड फॉर्म है रिटन, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो बाई से जुड़ के लिखेंगे बाई मी, द ऐसे हैज़ नॉट बीन रिटन बाई मी। डियर स्टूडेंट्स, इसी ग्रामर से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं उनकी एक्सरसाइजेज भी मैं करवा चुका हूँ, तो वे भी आपको इसी चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तीसरा देखते हैं सी हैज़ नॉट ईटन द मैंगोज़। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट है द मैंगोज़, अब मैंगोज़ है बहुवचन तो सहायक क्रिया लगेगी हैव, फिर नॉट और बीन, सी के अनुसार हैज़ लगी थी। उसके बाद देखिए ईटन थर्ड फॉर्म पहले से है, थर्ड फॉर्म ईटन, और सी का कर्म कारक हर होता है बाई हर, द मैंगोज़ हैव नॉट बीन ईटन बाई हर। चौथा सेंटेंस देखते हैं द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है द रॉबर्स, और हैव का हो जाएगा हैव बीन, इसके बाद अरेस्टेड थर्ड फॉर्म पहले से है, अरेस्टेड सेम टू सेम रहेगा, और द पुलिस, पुलिस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बाई से जोड़ करके नहीं लिखते हैं, तो ऑल पीपल और वन सम वन इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको हम बाई से जोड़कर नहीं लिखते हैं। पाँचवा देखते हैं माई ब्रदर हैज़ टॉट मी हिंदी। तो देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं मी और हिंदी, दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम दो तरीके से इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के अनुसार हैव, और हैव बीन हो जाएगा पैसिव वॉइस में। टॉट ये पहले से थर्ड फॉर्म है, टॉट ही रहेगा, हिंदी एज इट इज़ लिखा रहेगा, और माई ब्रदर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो लिखा जाएगा बाई माई ब्रदर। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि हिंदी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो हिंदी उसके बाद हैज़ बीन टॉट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको हम टू से जोड़ कर लिख देंगे टू मी, और उसके बाद ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो बाई माई ब्रदर एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए एक ही अंतर है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम टू नहीं लगाएंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पीछे लिखा रहेगा तो इसमें हम टू लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं छठवां हु हैज़ बर्न्ड दीज पेपर्स। तो देखिए हु का ऑब्जेक्ट होता है होम, तो हु सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके बाई से जोड़कर लिखते हैं तो लिखा जाएगा पूरा बाई होम। उसके बाद देखिए हैज़, अब हैज़ जो है ये सहायक क्रिया लगी है हु के अनुसार। अब इधर देखिए ऑब्जेक्ट है दीज पेपर्स, ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा तो आ जाएगा दीज पेपर्स, और दीज पेपर्स बहुवचन सब्जेक्ट है, इस वजह से सहायक क्रिया क्या हो जाएगी हैव और बीन, और सहायक क्रिया हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट आता तो यहाँ पर हम लिखते बीन से पहले। बर्न्ड, बर्न की थर्ड फॉर्म है पहले से तो बर्न्ड ही लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं सातवां हैज़ ही डिसीव्ड यू। तो देखिए यू है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा तो हैव यू,
सिंगल इंट्रोगेटिव है तो यही क्रम रहेगा। इसके बाद बीन डिसीव्ड थर्ड फॉर्म सेम टू सेम। उसके बाद देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और बाई से जोड़कर लिखेंगे बाई हिम। आठवां देखते हैं हाउ हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हाउ सेम टू सेम रहेगा, डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिखा रहता है और क्रम भी वही रहता है कि पहले प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया फिर कर्ता। अब देखिए यहाँ पर कर्म है द प्रॉब्लम तो ये कर्ता बनेगा द प्रॉब्लम यहाँ पर। तो हाउ हैज़ द प्रॉब्लम बीन सॉल्व, ये है सॉल्व्ड थर्ड फॉर्म सेम टू सेम। यू जाएगा देखिए लास्ट में बाई से जोड़ कर लिखेंगे बाई यू। यू का कर्म कारक भी यू होता है। नौमा व्हाट हैज सी ईटन टुडे। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, व्हाट वाला जो सेंटेंस होता है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट हैज सी ईटन टुडे यानी कि उसने आज क्या खाया है। तो देखिए यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, ईटन ये थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट एज इट इज रहेगा। हैज़ का हैज़ बीन क्रिया ईटन। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा बाई से जुड़ के लिखेंगे बाई हर और टुडे सेम टू सेम। व्हाट हैज़ बीन ईटन बाई हर टुडे क्वेश्चन मार्क। और देखिए लास्ट में है, इसे आपको खुद करना है, ही हैज़ वेस्टेड द मनी फूलिशली। तो इसे खुद कीजिए स्वयं और इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।